कड़े के आज भी पूछूंगा प्रिंस संजू के बारे में। तो संजू की कहानी इस तरह है कि उसने शुरुआत में एक लेख जो संजू की किताब लिखे लिख कर संजू को बता दें, और संजू को उसकी वो शुरुआत की कहानी कुछ अच्छी नहीं लगती है तो उसे भगा देते हैं। फिर दिया मिर्जा यानी मान्य थे दत्त जो उनका कैरेक्टर प्ले कर रही है उनकी वाइफ का, तो उन्हें वो सजेस्ट करती है कि कोई अच्छे राइटर की नहीं ढूंढ लेते तुम जो तुम्हारे साइड की कहानी छापे और लोगों को बताए कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो मीडिया नहीं दिखाना चाहती। तो फिर तब रणबीर कपूर यानी संजू की वो संघर्ष की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ अनुष्का शर्मा यानी जो राइटर का किरदार प्ले कर रही है जिसका नाम है बिनी, वो एक राइटर है फोटोग्राफर है जो इनकी कहानी लिखना नहीं चाहती पर संजू उन्हें बैठ के समझाते हैं उनकी पूरी कहानी। तो वहाँ से शुरू होते हैं उनके ड्रग्स, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी जेल, टेररिस्ट फ्रेंडशिप और उनके रिलेशन उनके फादर यानी परेश रावल के साथ। तो ये इसी कहानी के बीच बुनती हुई ये संजू की फिल्म है जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए और ये फिल्म हमें रोने पर मजबूर कर देगी। ऐसे ऐसे सीन, ज़बरदस्त सीन, चार ऐसे सीन हैं जो थिएटर में देखते वक्त ऐसा लगता है कि जस्ट वो हम रो देते हैं वो सीन में। एक जब मनीषा कोहरा यानी नरगिस दत्त तो जब कैंसर से मौत हो जाती है इस फिल्म में तो उस सिचुएशन को किस तरीके से बताया है वो सीन में। फिर दूसरा जब परेश रावल यानी सुनील दत्त जो जब वो मरता है तो रणबीर कपूर संजू को उन्हें थैंक यू कहना पर वो कह नहीं पाते, वो इतने शब्द ढूंढ रहे हैं कि वो कह नहीं पाते। और दूसरे दिन परेश रावल मर जाते हैं और वो जो दुखीपन है वो जो एहसास है वो हमें ऑन स्क्रीन छलक के आता है। और बाकी के दो सीन जब परेश रावल और रणबीर कपूर जब गले मिलते एकदम इस तरीके से मिलते हैं कि हम ऑडियंस लोग रो देते हैं। तो ये थी पूरी कहानी पूरी उसके बीच की जो चीज़ें हैं। अब बात करते हैं म्यूज़िक की। म्यूज़िक में बात करें तो इस फिल्म में सबसे ज़बरदस्त जानदार जो गाना है वो है कर हर मैदान फतेह। वो गाना संजू के ड्रग्स को छुड़ाने के लिए बनाया गया है और जिस तरीके संघर्ष करता है अपने आप को ड्रग्स से छुड़ाने के लिए वो उसके ऊपर ये गाना बेस है जो एकदम लाजवाब है और मतलब हमें गूज़बम्प्स क्रिएट करा देता है वो गाना। और बाकी के जो गाने हैं उसमें है एक मैं बढ़िया तू बढ़िया जिसे हम एक दो बार देख सकते हैं, बाकी एक है रूबी रूबी करके जिसे भी ठीक ठाक गाना है, पर जो मेन गाना है फिल्म का हाईलाइट वो है कर हर मैदान फतेह। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तो ऑब्वियस है उनकी जो पिछली फिल्में हैं पीके ले लो, थ्री डेज ले लो, मुन्ना भाई सीरीज ले लो, एक से एक बढ़कर मैसेज इंस्पिरेशन, और ये भी फिल्म उसी तरह की है जो इंस्पिरेशन हमें देते हैं राजकुमार हिरानी। एक एक सीन एक एक फेस जो संजू के बताए गए हैं इस फिल्म में एकदम लाजवाब, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि हम जो संजू को जानते थे इस फिल्म को देखने के बाद हमें और ही कोई संजू नज़र आता है थिएटर से निकलने के बाद। और बाकी उनके जो डायरेक्शन में जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो निकल के आती है। फिर हम बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग में बात करें तो रणबीर कपूर ने ऑब्वियसली जो जानदार परफॉर्मेंस हमारा दिल जीता है वो सैल्यूट है, पर उससे भी ज़्यादा जो हमारा दिल जीतने में कामयाब होते हैं वो है परेश रावल यानी सुनील दत्त का कैरेक्टर। वो जिस रुआब से जिस तरीके से वो अपने आप को निखारते हैं सुनील दत्त के तौर पर वो वाकई काबिल तारीफ है और ऐसा मन करता है कि मैं अगर सामने होता तो उन्हें गले मिल लेता, उतने अच्छी तरीके से किया है। बाकी जो कैरेक्टर है दिया मिर्जा का, विकी कौशल के जो फ्रेंडशिप बताई है इस फिल्म में
इस फिल्म में बहुत ही लाजवाब है। बाकी कैरेक्टर्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए गए हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये फिल्म आपको फैमिली के साथ देखनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ देखनी चाहिए, पर देखनी चाहिए ज़रूर। और अंत में मैं यही कहूँगा कि एक डायलॉग है फिल्म में, एक डायलॉग है जब परेश रावल बोलता है कि संजू इज़ बैक, तो वही डायलॉग रणबीर कपूर के ऊपर शूट करता है कि रणबीर कपूर इस फिल्म से अपना कमबैक जबरदस्त जानदार एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस देके कर रहे हैं। और जो डायलॉग्स है फिल्म के, अलग अलग डायलॉग्स एकदम खूबसूरती से जो बताया है पुत्र, वो जो एहसास बताया सुनील दत्त और संजय दत्त के बीच, एकदम मतलब निखार आ जाता है वो फिल्म देख के। तो आप देखिए ज़रूर इस फिल्म को। मैं दूंगा 5 में से 5 स्टार। थैंक यू।